लैपटॉप भी 9 to 5 जॉब्स के साथ साथ या अपने स्टडीज के साथ साथ अगर आप भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं या आप कोई ऐसा साइड हसल देख रहे थे जो आपका कम टाइम ले और आपको वहां से इनकम हो या आपको वहां से अर्निंग मिले, तो आप बिल्कुल भी राइट वीडियो पर आए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वर्क शेयर कर रही हूँ जिसकी नाउ डेज बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको पता ही होगा कि राइटिंग एक ऐसा वर्क बन गया है इन टूडेज वर्ल्ड कि आपको यहाँ पर एवरी सिंगल वर्ड्स के लिए पे किया जा रहा है। आपको आज मैं एक यहाँ पर नया प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ जहाँ पर आपको ना ही कोई साइन अप करना है, ना ही आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली अपने मोबाइल फोन से काम करने को, अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से काम करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर अगर 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं तो भी ये जॉब को इजीली कर सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अगर आप हाउसवाइफ्स हैं जो अपने घर पर बैठकर अपने वर्ड्स को यूज करते हुए आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जिसको राइटिंग लिखना या राइटिंग वर्क करना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पर आर्टिकल $500 पे किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ना ही ये इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, ना ही आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पर 10th पास है या अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं तो भी ये इजीली कर सकते हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पर मोबाइल फोन को यूज करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए ये काम करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई ऐसा लेंदी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस भी नहीं है। विद इन यहाँ पर आप 10 से 20 मिनट्स में यहाँ एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल्स लिखने के लिए आपको यहाँ पर ना ही कोई ट्रेंडिंग टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, आपको वो लोग खुद ही यहाँ पर आर्टिकल्स की जो टॉपिक है वो टॉपिक देंगे। आपको बस उसी टॉपिक पर यहाँ पर आर्टिकल लिखना है और उन्हें सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं या आप भी राइटिंग फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल ही न्यू है, जहां पर आपको ना ही कोई रजिस्ट्रेशन या आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन या साइन अप करना है। आपको सिंपली यहां पर डायरेक्टली क्लाइंट से कांटेक्ट करना है, थ्रू डायरेक्टली क्लाइंट से अप्रोच कर आप यहां से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपको राइटिंग वर्क हो वहां पर आपको अपनी गिग बनानी पड़ती है या अपना लाइक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, जहां पर आपको अपने कुछ सैंपल्स शेयर करने पड़ते हैं जिसके थ्रू क्लाइंट को यहां पर एक आइडिया मिले कि आप कैसा काम कर रहे हैं, आपका यहां पर वर्क यहां पर आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, आपको ये शो करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म शेयर बता रही हूँ वहाँ पर आपको ना ही कोई गिग बनानी है, ना ही कोई पोर्टफोलियो बनाना है, ना ही आपको यहाँ पर अपना रेज्यूमे या सीवी शेयर करनी है। सिंपली आपको अपना जो वो आर्टिकल दे रहे हैं वो आर्टिकल को डायरेक्टली जो क्लाइंट आपका है उसको दे देना है और आपको वहां से क्लाइंट डेली बेसिस पर आपको काम असाइन करेगा और वहां से आपको डेली बेसिस के हिसाब से आप जितने आर्टिकल्स लिख रहे हैं उतने आर्टिकल्स के हिसाब से आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। तो आपको ये करने के लिए यहाँ पर गिग्स या आपको कोई यहाँ पर दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्रोच करके ये काम इजीली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान में रखिए, आप एक चीज का ख्याल रखिए, आप सबसे फर्स्ट जो बेसिक यहाँ पर फ्रीलांसिंग फील्ड में जो वर्क है उससे स्टार्ट कीजिए। तो आपको ये आज का जो प्लेटफॉर्म है राइटिंग एक ऐसा वर्क है फ्रीलांसिंग फील्ड का जहाँ से आप हर चीज सीख सकते हैं। जैसा कि आपको जो टॉप फ्रीलांसर्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे तो सबका यहाँ पर बेसिक जो फर्स्ट यहाँ पर फ्रीलांसिंग फील्ड में फर्स्ट स्टेप है वो है राइटिंग। तो अगर आप राइटिंग में अगर अच्छे हैं तो आप सारे यहाँ पर इजीली हर टास्क को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर जो राइटिंग वर्क है उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए और अपना करियर फ्रीलांसिंग फील्ड में ग्रोथ करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई फ्रेंड्स, दिस इज अमीरा मेंटर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे आने वाला कोई ऑनलाइन अर्निंग मेथड मिस ना हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने चैनल पर जो 100% जेन्यून है, जो ऑथेंटिकेट है, जहाँ पर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट ना हो, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स बताई हूँ। तो आपको अगर देखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो मेथड ईजी लगे उस पर वर्क कर आप भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एट द लास्ट, अगर आपको यहाँ पर कुछ अगर कन्फ्यूजन रह रहा है या आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां से आपकी हेल्प आउट करूंगी। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहां पर टाइप कीजिए मेन बोर्ड्स। तो आपके सामने यहां पर जो फर्स्ट वाला साइट दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए।
इस पर क्लिक कर देने से आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही यहाँ पर कुछ लॉगिन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ के जो आर्टिकल्स है वो रिलेटेड टू बोर्ड्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरी आर्टिकल रिलेटेड टू बोर्ड्स ही दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के आर्टिकल्स, जो लेटेस्ट आर्टिकल्स है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर हर टॉपिक रिलेटेड टू बोर्ड ही मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं सर्च बॉक्स पर। सर्च बॉक्स पर आकर वहाँ पर हम सर्च करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटर गाइडलाइंस, क्योंकि हमें यहाँ पर गाइडलाइंस में सारा कुछ पता चलता है कि यहाँ का जो आर्टिकल्स लिखना है वो किस तरीके का है, किस फॉर्मेट में लिखना है, या यूँ कहिए आर्टिकल लिखने का यहाँ पर फॉर्मेट क्या है। तो सिंपली सर्च बॉक्स में आकर कॉन्ट्रीब्यूटर गाइडलाइंस लिख देने से ये सारा कुछ हमें शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको आना होगा कॉन्ट्रीब्यूटर गाइडलाइंस पर, उसको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर सारे गाइडलाइंस आपको ये बता रहे हैं, लाइक आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, इनको कैसे यहाँ से आर्टिकल भेजना है, आपको आर्टिकल्स में कैसे इमेजेस लगाने हैं, कैसा यहाँ पर उसका आर्टिकल का स्टाइल होना चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में, सारा कुछ यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो इनका वर्ड डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इनको सबमिट करना है, या नहीं तो आप इनको डायरेक्टली जो आपका आर्टिकल है डायरेक्टली उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको PDF फॉर्मेट या फाइल फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके लेंथ और पेमेंट पर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर ये मेंशन है कि आप अगर 800 से अगर 1000 वर्ड्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पर $400 से $500 के बीच में यहाँ पर आपको पे किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका विदिन आपको यहाँ पर जो ड्यूरेशन दे रहे हैं उस ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पर आपको ये आर्टिकल सबमिट करना होगा। तो आपको यहाँ पर एक आर्टिकल के $500 तक पे किया जाएगा। चलिए मैं यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करके, एक आर्टिकल की टॉपिक सेलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे यहाँ से आर्टिकल लिखना है। तो हम अगेन आर्टिकल लिखने के लिए सिंपली चैट जीपीटी पर आ जाएंगे और चैट जीपीटी से कहेंगे कि गिव मी आर्टिकल ऑन बोर्ड्स इन 2023। आपको इसी तरीके से यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है, आपको जो अपना क्लाइंट देगा वो आर्टिकल को यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली रैंडमली एक टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिख रही हूँ, चैट जीपीटी से मांग रही हूँ। तो आप यहाँ पर ऐसा चैट जीपीटी से कहने से वो यहाँ पर सारा आर्टिकल आपको लिख कर दे देगा। अब ये आर्टिकल को आप डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली क्लाइंट को फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको इस वाले यहाँ पर जो भी चैट जीपीटी आर्टिकल लिख कर दे रहा है उसको आपको यूजिंग स्पिनबोर्ड भी आप यहाँ से फ्लैगरिज्म की इशू को दूर कर सकते हैं, या नहीं तो आप दूसरे ऑनलाइन जो भी यहाँ पर फ्लैगरिज्म चेकर है उसको चेक कर यहाँ से फ्लैगरिज्म इशू को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर देने से आपका वहाँ पर जो आर्टिकल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स, यहाँ पर इसका फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज चेंज करना होगा, उसी के बाद आपको यहाँ पर क्लाइंट को सेंड करना है। मैं यहाँ पर सारा टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। ये कॉपी कर लेने के बाद हम फिर से जो हमारा एक्चुअल वेबसाइट है जहाँ पर हमें काम करना है उस वाले प्लेटफॉर्म पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर जो मेन बोर्ड्स है। देखिए यहाँ पर ये क्लियरली कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कोई साइनअप या लॉगिन नहीं करना है, सिंपली इनका जो यहाँ पर जीमेल अकाउंट है, यहाँ पर जो इनकी ईमेल आईडी है उस पर आपको यहाँ पर मेल करना है। तो हम यहाँ से इनका मेल को कॉपी कर लेते हैं। इनके मेल को कॉपी कर हम इनको एक मेल कंपोज कर अपना आर्टिकल्स भेजेंगे। तो सिंपली हम मेल लिखने के लिए जीमेल पर आ जाएंगे। जीमेल पर आकर यहाँ से जो इनका ईमेल आईडी है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट कर लेकर यहाँ से हम टू में उनका ईमेल आईडी का जो भी यहाँ पर लिंक है, जो भी इनकी जीमेल आईडी है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पूछेगा, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखना होगा सबमिशन आर्टिकल या आर्टिकल सबमिशन, ऐसे लिख देना होगा। उसके बाद आप जो स्पिनबोर्ड से जहाँ से आप फ्लैगरिज्म दूर करें वहाँ का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो चैट जीपीटी से कॉपी करी उसको यहाँ पर पेस्ट कर बताती हूँ।
अगर मैं आपको यहाँ पर फ्लैगरिज्म इशू अगर कैसे दूर करना है यूजिंग स्पिनबोट अगर सब करके बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी मैं मेरे दूसरे वीडियोज़ पर यह कर बताई हूँ कि आप कैसे यहाँ से फ्लैगरिज्म इशू अवॉइड करें। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो आप स्पिनबोट वाली वेबसाइट से ले लेंगे टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी कर देकर यहाँ पर जो सेंड ऑप्शन दिख रहा है, सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें इमेजेस लगाना चाहते हैं तो आप इसमें इमेजेस भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर अगर कुछ आपने लिंक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर अपना फ़ोन नंबर ध्यान से यहाँ पर लगाना ना भूलें। अपना फ़ोन नंबर और अपना जो भी आपका यहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उसको लगाकर अपने क्लाइंट को सेंड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपका जो आर्टिकल है उस पर वो रीड करेंगे। अगर आपका आर्टिकल अप्रूव होता है तो आपको आप जो ईमेल आईडी से यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वही ईमेल आईडी से आपको ये रिवर्ट बैक करेंगे। तो आप जो ईमेल आईडी रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं आप उसी से यहाँ पर इनको मेल भेजिए, ताकि आपको भी पता चले कि जब वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आप भी वहाँ से गेट बैक करें। बस ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ अलग से काम नहीं करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरों से शेयर करना भी ना भूलें, ताकि वो लोग भी यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।